हमें आपकी बहन बहुत प्यारी लगी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। हमारा बेटा भी लंदन से एमबीए करके आया और आते ही जॉब पे लग गया है। अल्लाह का दिया सब कुछ है, नौकर चाकर अपना घर सब कुछ है हमारे पास। अगर आप इजाजत दें तो मंगनी की अंगूठी पहना दूं। इतनी जल्दी अंगूठी? ये दौलत से थोड़ी कोई खुशियां मिलती हैं, और हमारी बहन को वैसे भी नौकर चाकर रुपए पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अभी अंगूठी ले जाइए, ये अभी कोई हम अंगूठी अंगूठी नहीं पहना सकते। आपका मतलब आप टाइम लेना चाहते हैं? जाहिर ही बात है, हम खुद से मालूमात कराएंगे लड़के की। आपका बेटा, आप तो तारीफ ही करेंगे ना। जी जी क्यों नहीं, आप टाइम ले, जिस तरह चाहे इंक्वायरी करें, हमें कोई इशू नहीं है। आप लोग हमें बाकी बहुत अच्छे लगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दे दिया सोचने के लिए। तेरी शक्ल से लग रहा है कि तू हिम्मत हार रहा है। सब कुछ तेरे सामने है यार। एक लिहाज से देखा जाए तूने भी काफी वक्त लगाया इजहार करने में। मैंने? वो कैसे? कुछ मुझसे सीखता, थोड़ा हौसला करके इजहार कर देता, जैसे मैंने फरह से इजहार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। खावर, मेरी सिचुएशन तुझसे बहुत अलग है यार। तू एक बड़े घर का लड़का है, तेरे लिए फरा को अप्रोच करना, उसे इजहारे मोहब्बत करना मुनासिब था बनिस्बत मेरे। मेरे और मोना के स्टेटस डिफरेंस को तू अच्छे तरीके से जानता है यार, ये मेरे लिए करना बहुत मुश्किल था। वो सब तो ठीक है नुमान, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लड़की तुझे लाइक करती थी। अगर वो लड़की तुझमें इंटरेस्टेड नहीं होती तो मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन पे कभी ना आती। मुझे लगता है कि तूने इजहार करने में देर कर दी, और लड़कियां हमेशा लड़कों से एक्सपेक्ट करती हैं यार, वो कभी खुद इजहार नहीं करती। पता नहीं, तो अपनी जगह ठीक है और मैं शायद अपनी जगह। लेकिन मोना इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? फरा बता रही थी उसके घर में लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती, और उसके घर वालों ने फैसला लिया एग्जाम्स के बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। हेलो मजे का टीवी। गुरु भाई, अब तो माशाल्लाह अमीर शमीर लग ही रहे हैं। हाँ, लेकिन इससे बड़ा घर हो जाए ना तो और भी मजा आएगा। दिला दूंगा मेरी जान, वो भी दिला दूंगा। तुम बस अपने इस मजाजी खुदा पर भरोसा रखो। तुम पर ही तो मेरी दुनिया शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। हाय हाय हाय, सारा दिन टीवी के सामने बैठ बैठ के मतलब फिल्मी डायलॉग भी याद हो गए। किसका फोन है? तेरी सौतन का। इसे भी जान नहीं है। देख, ऐसा ना बोल, आखिर इसी पेड़ का तो फल खा रही है तू, तो ऐसा नहीं बोल। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब मेरी मेहनत का ही फल है। बड़ा दिमाग लड़ाया तेरे शोर ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। खुश? उठा लो वरना मर जाएगी। छोड़ो भाई, इतने मजे की फिल्म चल रही है, कौन उठाएगा, सब मजा खराब हो जाएगा। जरा चखना तो देना।